फिरे तूफान, मेरी भी जिद है कि दरिया पार करना है। आदरणीय मुख्य अध्यापक, अध्यापकगण, प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आप सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक बधाई। और ये कहा जाता है कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन दुनिया में ज़्यादातर देश पुरुष प्रधान देश हैं, इसलिए महिला को वो मुकाम नहीं मिल पाया है जिसकी वह हकदार है। हालांकि स्थिति में सुधार हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नज़र को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। बड़े पहले समय से बेटों और बेटियों में फर्क किया जाता रहा है। बेटियों को डाइट से लेकर एजुकेशन तक दूसरे दर्जे पर रखा जाता रहा है और बेटों को खेल कूद के भी ज़्यादा अवसर दिए जाते रहे हैं। इसकी वजह हमारे समाज की मानसिकता कि बेटियां घर की, बच्चों की और बुजुर्गों की देखभाल करेंगी और बेटे घर से बाहर जाकर नौकरी पेशा करेंगे, बिजनेस व्यापार करेंगे। इसलिए बेटों का पढ़ना और उनका ताकतवर होना ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ये बिल्कुल गलत सोच है जिसकी वजह से दुनिया की आधी आबादी अपने अधिकारों से वंचित रही और इससे दुनिया की विकास रफ्तार पर भी बुरा असर पड़ा। फिर विश्व को समझ आया कि जब तक महिलाओं और पुरुषों को एक समान अधिकार नहीं मिलेंगे, तब तक विकास रफ्तार अच्छी गति से नहीं चल सकती। इसलिए आज सभी पुरुष जेंडर इक्वालिटी पर जोर दे रहे हैं और हमारा देश भी महिलाओं को अधिकार देने के लिए कई इनिशिएटिव, कई प्रयास कर रहा है। लाडली बेटी, सुकन्या योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि योजनाओं के साथ साथ राजनीति में भी महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है। आज महिला दिवस के अवसर पर मैं कुछ रेटोरिक सेंटेंस महिलाओं के लिए कहना चाहूँगा। मैंने एक औरत की बेबसी को तब महसूस किया जब मैं बिस्तर पर बीमार पड़ी थी और उसको खुद से ज़्यादा इस बात की चिंता थी कि कहीं परिवार द्वारा कमाया सारा सरमाया उसकी बीमारी पर खर्च ना हो जाए और उसके बाद उसके बच्चों और पति का क्या होगा, उनको खाना पकाकर कौन देगा। मैंने औरत की परवाह को तब महसूस किया जब मैं सारी रात अपने बीमार बच्चे के माथे को ठंडा रखने के लिए रुमाल गीला करके उसके माथे पर रखती। मैंने औरत के साथ हो रही बेइंसाफी को तब महसूस किया जब किसी ने पूछा तुम्हारी पत्नी क्या करती है, तो उसने कहा कुछ नहीं जनाब, घर में ही है। और मैं ये भूल गया कि वह सुबह 4 बजे जागती है और रात को 10 बजे तक काम करती है और मैं खुद सूर्य उदय होने के बाद बिस्तर छोड़ता है और सूर्य अस्त होने से पहले ही अपनी दिनचर्या अस्त कर लेता है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं ए मैन मे वर्क फ्रॉम सन टू सन बट द वर्क ऑफ अ वूमन इज नेवर डन। अर्थात एक पुरुष अमूमन ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे काम करता है, लेकिन एक औरत का काम कभी ख़त्म नहीं होता। अंतिम वाक्य, मैंने एक औरत की कुर्बानी को तब महसूस किया जब उसने अपना ससुराल बसाने के लिए अपना बसा बसाया मायका छोड़ दिया, अपने माँ बाप, अपने भाई और बहन के घर को बेगाना कर दिया और बेगाने को अपना बना लिया। अब माँ के लिए एक छोटी सी कविता है, वो मैं बोलना चाहूँगा। तू ही बरकत
तू ही मन्नत, तू मेरी दुआ है, तेरे बिन अधूरा लगता ये जहां है। तू ही हसरत, तू ही जन्नत, तू मेरी खुदा है, तेरे बिन अधूरा लगता ये जहां है। तू ही हंसी, तू ही खुशी, तू मेरी आसमां है, तेरे बिन अधूरा लगता ये जहां है। तू ही आरंभ, तू ही अंत, तू मेरी माँ है, तेरे बिन अधूरा लगता ये जहां है। एक भाई ने दूसरे से पूछा, मेरे पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है? तो उसने कहा, मेरे पास माँ है। तो पहले की आंखें झुक गई, इस दुनिया में माँ के आशीर्वाद से बड़ी कोई दौलत नहीं। और जिस इंसान के पास माँ का आशीर्वाद है वह हमेशा आबाद रहता है, और माँ बनने का सौभाग्य केवल एक औरत को ही प्राप्त है। तो इसी नोट पर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। जय हिंद, जय भारत। काज करने कुदै अग्गे पिछे नहीं जाना, बाहर अगर बाहर जाना भी होवे ते कुसै पुरश बंदे कन्नै जाना, कल्ले नहीं जाना, सवेरे जल्दी नहीं जाना जां शामी नहीं जाना। बड़ियां सारियां कृतियां हियां, लेकिन साढ़े आस्ता आस्ता समाज सुधार जां जिन्नी जिन्ने अज दे डिवेलप होंदा गया तो बदलाव आंदे गे। तो अज साढ़े तुस दिक्खा दे, तुस इत्थे बैठे दे हो, पढ़न आ दे हो, मुड़े कोला ज्यादा नहीं कुड़ियां लभाइयां, साढ़े मैडमां खड़ोती दियां टीचर्स, और एह दिन आने वास्ते साढ़े किन्ने ज्यादा लोगों कि कुर्बानियां दीतिया उवै जिन्हें मैं तुम्हें दसिया कि उस बारे में जिंदा जन्म 3 जनवरी 1831 होया महाराष्ट्र में, और 9 साल की उम्र में क्या होंगे ब्याह कर जिला कि तुम देखते हो 9 साल की उम्र बच्चा कि दूसरी या तीसरी क्या पढ़ा हों 9 साल की उम्र में क्या होता है कि ब्याह करेगा। लेकिन उन्दे जिहड़ा घर आला जिहदा नाम महात्मा ज्योतिराव फुले है, महाराष्ट्र में पूरे च उन्दा अच्छा दिन पर्व मनाया जाता, उन्हें भी महात्मा के नाँ कहने पूजा जाता। उन्हें वो पहले ही एक मिशन के बच्चे जुड़े हुए कि मैं समाज में जिहड़ियां फैली दी कृतियां उन्हें भी दूर करना है। उन्हें अपनी औरत की एक उहदा माध्यम बनाया, उसकी पहले घर शिक्षित किया, अच्छा जिला उसी उन्हें पढ़ाना शुरू किया, अल अमल है घर बच्चे रौला पी है भाई एक एक काम लगी गया करना, उस अपने कन्ने जिते मिशन बच्चे ले जाता कोई उन्हें स्कूल। तो लोगें आखना शुरू करी रहा कि भाई ये बंदा जिहड़ा गलत काम करा, ये साढ़े समाज में जिहड़ा गलत पैसे दिया, इस बंदे की उतों का करना जरूरी है, इसी इतना छेकना जरूरी है। उन्हें उसके माता पिता पर इन्ना प्रैशर पाया कि उसी घर बाहर कटी रहे, बबे ने भी अपने पुत्रा और नूह के घर बाहर कटी रहे, पर उस बंदे ने हिम्मत नहीं हारी, ना गया उस औरत ने उनका पूरा साथ दिता। उन्हें घर बाहर देख लिए एक कोई अपने दोस्त है घर ही है, एक स्कूल शुरू किया जिद पहले 9 बच्चे अलग अलग कुड़िया ने अलग अलग जातियां समाज दिया लीजिए उन्हें भी पढ़ाना शुरू किया। और उनका पढ़ाने का मेन मकसद क्या कि दूजे सॉरी वूमेन्स की औरतें की जागरूक करना अपने अधिकारे वास्ते कि जोड़ा साढ़े कन्ने हो रहा है, जिन्ना बाल विवाह सती प्रथा जाहिर हर काम चाहे रुकना रुकना उसी दूर करने वास्ते। और उन्हें अपने इसी मिशन भी शुरू किया, उसके बाद उन्हें 1852 में जाइए एक स्कूल खोलिया बाल इनका लड़कियों के लिए एक जो उन्हें स्कूल खोलिया ये 1852 में, और उसी उनका प्रिंसीपल बनाया गया उसी सवित्री बाई फुले, तो उसी समाज साढ़े देश की प्रथम शिक्षिका भी आखिया जाए। तो जिला वो स्कूल पढ़ाने जाते ही लोग की करते वो पर गंदे गंदे कमेंट करते, कोई पत्थर सुटता, कोई वो पर गोहा सुटता, जो कुछ भी सुटता, सोचो तुम एक शिक्षित जल्द तैयार हो जाए रस्ते में गोहा चिकन सुटे तो वे पर क्या भी दी हो। लेकिन उस औरत ने हिम्मत नहीं हारी, वो क्या करते अपने कन्ने बैके बिच एक साड़ी और पाई जाती, उसी पता है रस्ते च ये माड़ी भरी हुई है लोग कुछ भी गंद सुटना है चिकन घर कोई और गंद होवे गोहा तक वो पर सुटते डंगरे का पेशाब ज कुछ भी समझो वो पर सुटते। लेकिन उन्हें अपना मिशन ये जो कंटिन्यू रखिया, और अज
क्योंकि मिशन तुम दिखा रहे हो वह रिजल्ट है जोड़ा तुम जो साडम तुम दिखा रहे हो जहाँ जल्दी अस गल कर रहे अपनी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कोई और सुनीता विलियम कल्पना चावला वो लोग भी शिक्षित हो पाए हैं उनकी वजह कने उनके लोगों की वजह कने जिन्हें ये पिछले कुर्बानियां दी तो अज मैं ये आखूँ कि तुम्हें महिला सशक्तिकरण डे पर जोड़ा कि अज दिन बना दिया कल ही एक दिन पर गया नहीं रखना अपने आस पड़ोस में जिन्हें तुम्हें बच्चे ज बच्चियाँ कोई नहीं पढ़ाता उन्हें भी मैसेज देना है कि इन्हें भी स्कूल भेजो ताकि ये स्कूल आइए अपना निर्वाह अपने तो ही जिन्हें बोलिया कि एक वूमेन अगर पढ़ी दी एक औरत पढ़ी दी हो तो पूरा घर पढ़ी जाता और अगर एक बंदा पढ़ेगा तो खाली एक बंदा होता पढ़ेगा लेकिन एक औरत पढ़ी दी हो तो पूरा घर पढ़ी जाता उन्हें भी आखो कि स्कूल भेजन उन्हें बच्चे की तो जरूरी नहीं है कि कोई नौकरी गै लगन ज कुछ बन अगर समाज में पढ़े लिखे का होना बड़ा जरूरी है वो कने तुम अपने हक तुम्हें के हक ने के राइट ने तुम्हें के ड्यूटियां तुम्हें वो तो पता चलन तो लास्ट में तुम्हारा सारे का धन्यवाद करो ये आखों तो है कि जिन्हें भी तुम वो करो तो अपने पुराने जो समाज सुधारक हैं जिन्हें इस दिन वास्ते कुर्बानी दी हैं उन्हें भी याद करो जय हिंद। फिर बनाया तू ये फोटो ले लो ठीक है अपने फोन मैं अपने वीडियो बना दू नहीं दी जाती अगर दी भी जाती है तो कुछ बनने से पहले ही उनकी शादी करा दी जाती है।
जिस कारण महिलाएं आत्म निर्भर नहीं बन पाती हैं। तब तक समाज का रवैया नहीं बदलेगा, महिला किसी भी पूर्ण रूप में नहीं सुधरेगी। हमारा कर्तव्य है कि हमें महिलाओं का सम्मान और सहयोग करना चाहिए। इसलिए आज हम संकल्प के हैं कि हम महिलाओं को एक अधिकार व आजादी के लिए देश मान व जन जन तक जागरूकता फैलाएंगे और एक नया भारत बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। अगर एक आदमी को शिक्षित किया जाता है तब एक आदमी ही शिक्षित होता है, लेकिन जब एक औरत को शिक्षित किया जाता है तब एक नारी शिक्षित होती है। नारी ही जगत की जननी है, इनसे ही मिलता जीवन दान। भूल जाओ सभी भेदभाव करना, सीखो इनका सम्मान। माँ बनकर जन्म लिया जिसने, लालन पालन भी किया जिसने, शीश झुकाकर प्रणाम करो उस नारी को, तुम पर एहसान किया। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों फूल चाहिए समुद्र बनाने के लिए, मगर एक स्त्री अकेली ही काफी है एक घर बनाने के लिए। अपना ना जाने कितनी दिवाएंगे निभाती है, सलाम भर उस खातून को जो घर बनाती है। स्त्री ईश्वर की अनूठी रचना है, आपके बिना हमारा वजूद नहीं। आपका धन्यवाद। जय हिंद। हमें अन्य भूमिकाओं को महिला अहम योगदान दे रही है। कोमल है कमजोर नहीं, तू शक्ति का नाम है नारी। जब को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। हमारा कर्तव्य है कि हम हमेशा महिला का सम्मान करें, उन्हें आगे बढ़ने से प्रेरित करें। क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। मजदूरी से लेकर अंतरिक्ष में जा